जैसा कि साहब सिंह ने कहा फॉर्मेशन से कदम जी हो मोहतरम जनाब पीरजादा मोहम्मद सईद साहब का पीसीसी प्रेसिडेंट और साहब का वजीर उनके साथ बैठे हुए सीनियर लीडर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भट्ट साहब ख्वाजा अब्दुल्लाह जी खान साहब वाइस प्रेसिडेंट इनके साथ निसार अहमद मंदू साहब वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हमारे रेस साहब यहाँ मेरे साथ में बैठे हुए जनाब इरफान वकीम साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी यहाँ हमारे आदि इंट्रोडक्शन मैडम जो प्रेसिडेंट यहाँ है और हमारे अपने बड़गाम के मुजम्मर साहब बशीर साहब सॉरी बशीर खान साहब जनरल सेक्रेटरी और यहाँ मैं देखता हूँ इम्तियाज खान साहब जो सुप्रिंटेंडेंट वहाँ बैठे हैं शाला साहब को मैं नहीं देखता हूँ और आप सब लोग
क्योंकि आज जो दोष या इस हमेशा मनावान और आज मनावान यह सो यम सो महबूब लीडर जामुत बर्थ एनिवर्सरी वह सो ये दोष वु अगस्त जामुत और आज मनावान अत मनाने के दोष पर यह अहद करा उद्घाटन किया था यहाँ इन्हीं अल्फाजों के साथ अल्फाजों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अच्छा शमीमा इकबाल जी मिनटा जल्दी जल्दी छोटा छोटा बाकी जो यहाँ पर बैठे हैं और हमारे समिया राजू जी एक नेक शरीफुल नफ्स और आला शख्सियत राजू जी ने हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किए हैं अनथक काम किए हैं जिससे उनके साथ जोग दर जोग लोग जमा हुए और एक बड़ा मजमा बन गया से कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत हुई और हिंदुस्तान इतना मजबूत हुआ कि आज हम अपने आप से आपको अहद करेंगे कि हम भी उनके नक्शों कदम पर चलने की कोशिश करेंगे और हम भी इतिहाद इतफाक और एक होके ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनाब करा साहब के हाथ में हाथ मिलाकर और कांधे से कांधा मिलाकर काम करेंगे इंशाल्लाह हम आज कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाएंगे। मैं आज के दिन में जो अल्फाज बोलना चाहता हूँ आज राजीव जी की 80वीं बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं और हम इन लोग राज अकीदत पेश करते हैं ये माइनास जो हमारे शहीद लीडर हैं हम इनके नक्शो कदम पे आगे इस ऑर्गेनाइजेशन को और जनता के हित में काम करने के लिए बैठे हैं शुक्रिया अमित शाह मकारम सोनक वाइस प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल गनी खान साहब इब्तिदन शुक्रिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह तो रोज इसके पाए कितना कुछ ना पास मेरे मोहतरम बड़े भाई पीर दादा सईद साहब मोगा साहब अनवर साहब बाकी जितने भी हजरात डाइस पे बैठे हैं उस साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी इन्होंने कहा कि दो मिनट में